अध्यक्ष रहे हैं और यहाँ हमारे बीच में बूथ के हमारे अध्यक्ष श्री घनश्याम जी, लालवन जी तो बीडीसी के अध्यक्ष रहे हैं। सभी का नाम लेना संभव नहीं है, मैं क्षमा चाहूंगा। और उपस्थित सभी महिला मंडल के सभी प्रधानगण, पंचायतों के सभी चुने हुए प्रतिनिधि और उपस्थित सभी भाई और बहन, आज एक बार फिर से अपने विधानसभा क्षेत्र और जिस पोलिंग बूथ का मैं पालक भी हूं, सुरवा में आना हुआ है और आज का ये आने का कार्यक्रम हमने इस बात को लेकर के निर्धारित किया कि लंबे समय से हमारा मिलना नहीं हो पाया था। कहीं एक जगह आते थे, कार्यक्रम बड़ा होता था तो बातचीत नहीं हो पाती थी, इसलिए बहुत सारे लोगों का इस बात के लिए आग्रह भी आ रहा था कई दिनों से कि हमारे लोअर बेल्ट के इलाके में आना नहीं। अब जब मैंने कार्यक्रम तय किया यहां आने का तो कई लोग इस बात के लिए भी पूछने लगे, बुद्ध की जाओ की चंदवाच अभी क्यों आ रहा है बुद्ध, क्योंकि आप लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि इन दिनों में हमारा कार्यक्रम यहां का बन जाएगा। सही मायने में आपके बीच में आने की वजह यह है कि बहुत लंबे समय से मिलना नहीं हुआ। मिलने की सबसे बड़ी वजह यह रही कि ये कोरोना का ये दौर पिछले लगभग 1.5 वर्ष से ज्यादा वक्त से चला है, अभी तक भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हमारी आने की इच्छा होने के बावजूद भी, मिलने की इच्छा होने के बावजूद भी आप सबके बीच में इसलिए नहीं आना हो पा रहा था क्योंकि जहां भी हम जाते हैं वहां भीड़ हो जाती है, भीड़ होती है तो कोरोना के फैलने की आशंका बढ़ती है। फिर समाज में कई तरह की बातें आती हैं कि ये नेता लोग जो है वो कार्यक्रम करते हैं, भाषण देते हैं और कोरोना फैलाते हैं। फिर ऐसा सोच करके हमने कहा कि जब तक कोविड का दौर ये पूरा थम नहीं जाता है, कम नहीं हो जाता है, तब तक के लिए हमको भी परहेज करना चाहिए। इसलिए मैं हिमाचल प्रदेश में भी बहुत जगह गया। अब जब हिमाचल में कोविड के मामले कम होने शुरू हुए तो फिर उसके बाद हमने शुरुआत की है और शुरुआत करके जो है आप सबके बीच में आने का हमने ये कार्यक्रम बनाया। आज हम सरोवा, उसके बाद बाड़ा में भी मिलेंगे, उसके बाद जाकर के केलोधार में भी मिलेंगे, उसके बाद होट में भी मिलेंगे, छोटे छोटे कार्यक्रम, ग्राम केंद्र के स्तर के कार्यक्रम, ऐसे कार्यक्रम निर्धारित करने का हमने तय किया। बाकी विधानसभा क्षेत्र में हम जाते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र का एग्जाम मोटे तौर पर एक कार्यक्रम होता है, बड़ा कार्यक्रम करते हैं, लेकिन अपने विधानसभा क्षेत्र में बड़े कार्यक्रम करने का लाभ मैं समझता हूं उतना ज्यादा नहीं जितने छोटे कार्यक्रम के माध्यम से हम मिलकर के आपस में बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं, एक दूसरे की समस्याओं को जान सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। मैं आप सबका बहुत आभारी हूं इस बात के लिए। जैसे यहां विनोद जी ने भी कहा कि एक वक्त हुआ करता था कि ये इलाका हमारे साथ नहीं होता था, ये नाचन के साथ होता था। हालांकि नाचन विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा होता था लेकिन एकदम कोने में पड़ता था, किनारे में पड़ता था। और उस वक्त भी मैंने इस बात को देखा कि आदरणीय दिलेराम जी जो हमारे बीच में आज नहीं है, उनको सहयोग में कहीं भी कमी नहीं।
जब बाड़ा का इलाका आता था, सरोवा का इलाका आता था, तो यहां से भरपूर समर्थन मिलता था। कोने पर होने के बावजूद भी, और उसके बाद जब डिलिमिटेशन हुई, तो डिलिमिटेशन के बाद अब ये इलाका हमारे इलाके सराज विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा बनने लगा, तो मैं बहुत थोड़ा चिंतित भी था। पता नहीं कि भाई ये हमारी नई रिश्तेदारी ठीक कैसे कैसे रहेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी, लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसी बातों को लेकर के कई तरह की चर्चाएं थी। लेकिन नया रिश्ता बना और आज मुझे इस बात की खुशी है, जिस तरह का सहयोग मुझे अपने घर गांव से भी नहीं मिलता, उससे ज्यादा सहयोग आप सबके यहां से मिलता है। और ये मेरे विधानसभा क्षेत्र का ऐसा कोने का इलाका नहीं, मेरा विधानसभा क्षेत्र, मैं पंडोह से अगर शुरुआत करता हूं तो तांदी पंचायत और सरोवा पंचायत सबसे पहली पंचायतों में जो है उसमें हमको रास्ते में मिलती है, जहां से शुरुआत है। हमारे संगठन में भी बातचीत चली, जब कहा कि भाई सभी विधायकों को एक एक पोलिंग बूथ का पालक होना चाहिए, हमारे सामने भी इस बात को प्रस्ताव रखा मंडल के लोगों ने कि भाई कहां किसको करना चाहिए, तो हमने पालक के नाते भी सरोवा पोलिंग बूथ को चुना, इस पोलिंग बूथ को अपना पोलिंग बूथ चुना। इसलिए चुना कि आप सबसे हमारा इस प्रकार का एक घनिष्ठ संबंध बना है, संपर्क बना है, जिसकी वजह से आप सबका बहुत बड़ा स्नेह, बहुत बड़ा प्यार आता है। साढ़े तीन वर्ष का कार्यकाल हमारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार का पूरा हुआ है। अब स्वाभाविक रूप से इस बात को लेकर के हमको मान के चलना पड़ेगा, अब दौर जो है अगली तैयारी का भी आ गया। भले ही अभी तक जब हम मान करके चलते हैं लगभग डेढ़ साल के लगभग हमारा वर्तमान सरकार का कार्यकाल है, लेकिन तैयारी का वक्त तो शुरू हो गया। मुझे हिमाचल प्रदेश के बाकी विधानसभा क्षेत्र में भी जाना होगा, रहना होगा, काम करना होगा, क्योंकि जिम्मेवारी इस प्रकार की मिली है। और यहां की जिम्मेवारी तो मैं अपने 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 जितने भी साथी यहां बैठे हो आपके ऊपर छोड़ देता हूं। ये घर आपका है, ये घर आपको संभालना है, इस घर की खुशहाली, इस घर की मजबूती आप सब लोगों ने करनी है, और आपने की भी है। हमने इस बात को देखा 2009 का जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपके यहां से बहुत अच्छा सहयोग मिला, 2012 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो उसमें बहुत बड़ा सहयोग यहां से मिला, और उसके साथ में हमने ये भी देखा कि 2017 का विधानसभा का चुनाव यहां से हुआ तो बहुत बड़ा बहुमत, बहुत बड़ी मदद आपके यहां से मिली, 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ तो आपके यहां से एक तरफा वोट आया, और इसलिए ये स्वाभाविक रूप से हमारे लिए ये साथ, हमारा सहयोग ये जो है मजबूती के साथ कायम रहना चाहिए, बना रहना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और मैं इस बात से सहमत भी हूं कि हमारी जो लोअर बेल्ट का इलाका जो है ये बहुत थोड़ा ऐसा इलाका है जहां लोग बहुत सहज और सरल है, राजनीतिक दृष्टि से ऐसी उछल कूद नहीं करते, कई जगह तो बहुत उछल कूद होती है, ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ, यहां शांत स्वभाव के साथ मजबूती के साथ आप लोग खड़े रहते हैं। हिमाचल प्रदेश में इस जिम्मेवारी मिलने के पश्चात जो जो भी हमारे हिमाचल के विकास के लिए किया जा सकता था इतने बड़े संकट के बावजूद भी वो हमने करने की कोशिश की है। इस बात को हमको स्वीकार करना होगा कि जो संकट का दौर हमारे इस कालखंड में आया, इस कार्यकाल में आया, ऐसा संकट आज से पहले कभी देखने को किसी को नहीं मिला। बाकी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में रहे, वो एक
शायद एक परिस्थिति के दौरान जो है जो तरह से सामान्य परिस्थितियों के दौर में से गुजरे, लेकिन ये परिस्थिति विकट परिस्थिति थी। लेकिन फिर भी मैं आप सबके माध्यम से इस बात को जरूर कहना चाहूंगा, संकट आया, बड़ा संकट आया, परेशानी भी हुई, पीड़ा भी हुई, बहुत पीड़ा भी के दौर में से हम गुजरे, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने हिमाचल प्रदेश में कोविड के मैनेजमेंट के लिए जो किया जा सकता था, बेहतरीन किया जा सकता था, वो करने की हमने कोशिश की। दूसरे दौर की ये कोविड की लहर के दौरान हमने कम से कम ऐसी स्थिति नहीं आने दी जैसे कई दूसरे प्रदेशों में ऐसी स्थिति आई जहां मरीज हॉस्पिटल के बाहर खड़ा है लेकिन हॉस्पिटल में उसको बेड नहीं मिल रहा है। कई प्रदेशों में ऐसी स्थिति हुई है मरीज हॉस्पिटल में एडमिट है लेकिन ऑक्सीजन वहां पर उपलब्ध नहीं थी। कई जगह ऐसी परिस्थिति हुई दूसरे प्रदेशों में जहां मरीज को वेंटिलेटर चाहिए था, वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस बात को हमने सुनिश्चित किया कि अगर मरीज कोविड का एडमिट होने के लिए आया है तो उसके लिए हमने बेड उपलब्ध कराया, जिसको बेड उपलब्ध कराने के बाद ऑक्सीजन की जरूरत थी उसको ऑक्सीजन उपलब्ध कराई, और जिसको वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उसको वेंटिलेटर उपलब्ध कराया। यदि मैं इस बात को कह सकता हूं जहां हमारे दूसरे विपक्ष के लोग बोलने की कोशिश करते हैं, आज भी अगर पूरे देश भर में इस बात को देखा जाए कि अगर वैक्सीन लग रही है तो वैक्सीन में पूरे देश भर में हिमाचल पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है पूरे देश भर। इसलिए अगर बहुत बातों का हम जिक्र करेंगे उन बातों में जाकर के सब तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं है, क्योंकि आज बहुत लंबा भाषण करने का नहीं है। मैं आपके बीच में दो तीन बातों को कहने के लिए यहां उपस्थित हूं। पहली बात तो ये कि इस विधानसभा क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार के एक दायित्व मिला है, एक जिम्मेवारी मिली है, जिस जिम्मेवारी का एहसास हम सबको होना चाहिए, मुझे तो है ही लेकिन आप सबको भी उसका एहसास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? इसलिए होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार की जिम्मेवारी किसी दूसरे विधानसभा के क्षेत्र के लोगों के ऊपर नहीं है, वहां के कार्यकर्ताओं के ऊपर नहीं है, जिस प्रकार की जिम्मेवारी सराय विधानसभा क्षेत्र के लोगों के ऊपर है। कई लोग कई तरह की बातें कहेंगे, यार कब ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कमाल है जी आज नहीं हुआ तो कब होना बोलते हैं, ये हमारा दौर नहीं है सोचने का इस तरह का। ठीक है, जो करने की बातें हैं जिसमें जो भी किया जा सकता हम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो दूसरे लोग इस तरह की बात कहने की कोशिश करते कि बोले बंजौना तो क्या बेड़ा बोलू, ऐसे बोलते ना कई बार हमारे आदमी भी बड़े भारी हो जाते कि कमाल है जी ये तो होना ही चाहिए। मैं भी आपकी बात से सहमत हूं, होना ही चाहिए, लेकिन यह भी नहीं कि अभी ही होना चाहिए, इसी वक्त ही होना चाहिए, अब की बार ही होना चाहिए। हमारे इस विधानसभा क्षेत्र का सोचना तो यह होना चाहिए कि हमें यह सम्मान कायम रहना चाहिए, काम तो होते ही रहेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम हमारे ही होंगे, होकर के रहेंगे, और हम काम करेंगे किसके लिए, आपके लिए ही करेंगे और किसके लिए करेंगे, अपने लिए जीवन में इससे ज्यादा कोई अब इच्छा रही नहीं है। जहां जिस मुकाम पर आप सबके संघर्ष के माध्यम से हम पहुंचे, आप सबके आशीर्वाद, आप सबकी मेहनत की वजह से हम पहुंचे, इससे ज्यादा की इच्छा रखने की आवश्यकता भी नहीं समझता हूं मैं मानव के जीवन में। लेकिन हमारा लक्ष्य यह है कि हम बेहतर से बेहतर करें, आज से पहले जो हुआ है अच्छा हुआ है उससे और अच्छा हम कैसे कर सके, उसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए, वो हम प्रयत्न कर रहे हैं। पूरा हिमाचल एक सूत्र में बंद करके आगे कैसे बढ़ सकता है,
3.5 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल हमारी सरकार का पूरा हुआ, लेकिन कोई आदमी इस बात को कह नहीं सकता है कि सरकार के ऊपर ये आरोप है, नेता के ऊपर ये आरोप है। कहने के लिए तो कहेंगे, विपक्ष के लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहेंगे, लेकिन एक भी मुद्दा नहीं जिस मुद्दे को लेकर के सरकार को बोला जाए। आज से पहले भी सरकारें हमने देखी, हम सरकारों में रहे, एक बार नहीं अनेक सरकार को, यहां अपनी भी देखी, दूसरी भी देखी, लेकिन 4 महीने 6 महीने के बाद मुद्दे की भरमार हो जाती थी। लेकिन आज के दौर में इस सारी चीज को ठीक है, हमें शालीन होकर के, सहज होकर के, सरल होकर के काम करने की हमारी आदत है, और ये हमारा स्वराज का नहीं, पूरे हिमाचल की प्रकृति है, हिमाचल का एक इस प्रकार के देव भूमि का एक संस्कृति का एक संस्कार है, जहां हमको सभ्य होकर के, शालीन होकर के काम करना है। जो कम बोलता है तो उसका मतलब है ये नहीं है कि कम जानता है, जो सहज होता है, सरल होता है, उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सहजता का इस प्रकार से हम उसको हल्के में ले। अपने अपने जीवन का काम करने का तौर तरीका होता है। इसलिए यहां राज्य विधानसभा क्षेत्र के हमारे सभी भाई बहनों से मेरा यही निवेदन है, एक तो यही कि एक सम्मान हमको मिला है, एक स्थान मिला है, उसके लिए हम सब लोगों को लंबे समय तक कैसे कायम रहे, कैसे हम उन सारी चीज को लेकर के और मजबूती इसमें दे सके, ताकत कैसे दे सके, उसके लिए हम सब लोगों को लगातार काम करते रहना है। और आज राज्य विधानसभा क्षेत्र के बारे में कई तरह के लोग बोलते हैं कि विश्राज विधानसभा क्षेत्र में काम हो रहा है, विकास हो रहा है। कई लोग कांग्रेस के लोग हमारे खिलाफ यही बोलते रहते हैं। अभी हमने परसों की कैबिनेट में नाचन विधानसभा क्षेत्र का वीडियो का ऑफिस, इनकी इच्छा थी कि भी हमारा वीडियो का ऑफिस बहुत ऊपर पड़ता है, चैल चौक पड़ता है, लोअर बेल्ट की मांग थी, वहां पर होना चाहिए, वहां पर वीडियो का ऑफिस खोला। अन्य के निर्माण के इलाके में एसडीएम के ऑफिस की आवश्यकता थी, वहां पर एसडीएम का ऑफिस खोला। हर क्षेत्र में काम करे, जूबल कोट खाई में एसडीएम के दफ्तरों की जरूरत थी, वीडियो के ऑफिस की जरूरत थी, वहां पर वीडियो के दफ्तर खोला, जहां अपना एसडीएम का दफ्तर भी नहीं था, वीडियो का दफ्तर भी नहीं था। इसलिए हमने एक विधानसभा क्षेत्र में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में हमने काम किया है, विकास किया है, और उसका परिणाम आप लोगों ने यह देखा होगा कि लोकसभा के चुनाव में हिमाचल प्रदेश की 68 की 68 सीटों पर भाजपा को बहुत बड़ी बहुत मिली है, एक तरफा बढ़त। लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग यही छोड़ डालने की कोशिश करते हैं, लोगों को भ्रमित करने की, किस राज में, विस राज में काम तो हो गई, मैं विधायक भी हूं, या चुनाव हो विधायक हूं, चुने हुए विधायक के साथ में मुख्यमंत्री हूं, मेरे विधानसभा क्षेत्र में क्या मुझे काम ही नहीं करना है, क्या कहना चाहते हैं वो लोग। लेकिन उसके बावजूद हम पूरे प्रदेश को एक नजर से देखते हैं, एक तरह का विकास होना चाहिए, हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, ये मुख्यमंत्री की एक काम करने की शैली भी होनी चाहिए और जिम्मेवारी भी होनी चाहिए, मैं उस जिम्मेवारी को निभा रहा हूं। आज यहां पर हमारे नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक बहुत ही जा रहे हैं, इनके विधानसभा क्षेत्र में भी हमारा कुछ चीजों को लेकर के हमारे डेवलपमेंट की बातें होंगी, जब इनके क्षेत्र का विकास होगा, ये दौरा होगा। तो आज देख रहा था मैं कि यहाँ 8 पंचायतें हैं, चाहे हमारी वो सरोवा की है, चाहे बाड़ा की है, चाहे हमारी परवाड़ा टिकरवाड़ी जो है वो पंचायत है, चाहे हमारी कालीगढ़, ये हमारी उसके बाद जितने भी हमारे 8 पंचायतों में यहाँ का यहीं का ये देख रहा हूँ मैं, जितनी भी हमारी पेयजल योजना का 50 करोड़ रुपए तो इन 8 पंचायतों में हम खर्च करते हैं, और सिंचाई की योजनाओं के लिए यहाँ पर जो है लगभग 30 करोड़ के लगभग वहां यहाँ पर और हम खर्च करते हैं अलग अलग स्कीमों को, उसकी डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए बहुत सारी चीजों में
जाकर के अपनी बात नहीं कहना चाहता हूं, और मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक दौर फिर परीक्षा का हमारे सामने है। हमारी ये दौर परीक्षा के खत्म हो ही नहीं रहे। विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद लोकसभा का चुनाव परीक्षा का दौर था, उसके बाद उपचुनाव आए वो परीक्षा का दौर था, उसके बाद पंचायत के चुनाव आए वो परीक्षा का दौर था, नगर परिषद नगर पंचायत कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। अब हिमाचल प्रदेश में 4 उपचुनाव हैं, जिसमें मंडी लोकसभा और 3 विधानसभा फतेहपुर अर्की और दुपरकोट का। इस बीच में हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ नेतृत्व हमने खोया है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी, जो वर्षों से हिमाचल प्रदेश में एक लंबे समय से नेतृत्व करते रहे, आज हमारे बीच में नहीं। हमें इस बात की उनकी कमी महसूस करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से हम आमने सामने ही होते थे, लेकिन उसके बावजूद एक व्यक्ति के नाते हमारे बहुत अच्छे संबंध। वो हमारे बारे में अच्छा बोलते थे, हमारे कांग्रेस के मित्रों को कई बार परेशानी भी होती थी जब बोलते थे। लेकिन हमने भी पूरा इज्जत उनको दी, पूरा सम्मान दिया उम्र के हिसाब से, और लंबे समय से इस प्रदेश का नेतृत्व करते रहे। उस दृष्टि से इसके अतिरिक्त हमारे हिमाचल प्रदेश में और भी हमारे मंडी के सांसद रामस्वरूप जी हमारे बीच में नहीं रहे। नरेंद्र बरागटा जी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो नहीं रहे। सुजान सिंह पठानिया कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, वो नहीं रहे। और शायद निकल में हिमाचल के इतिहास में एक साथ 4 उपचुनाव, 4 उपचुनाव में भी लोकसभा का चुनाव साथ में, अगर विधानसभा को कुल मिलाकर के 3 विधानसभा में चुनाव होने हैं, उनकी संख्या पूरी 20 बन रही है। 17 हमारे इस लोकसभा के बनते हैं और 3 और जो हमारे विधानसभा खाली हुए हैं वहां के चुनाव होंगे। 20 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होंगे। और स्वाभाविक रूप से प्रदेश की एक जिम्मेवारी होने के ऊपर, मेरे ऊपर होने की वजह से मुझे हिमाचल प्रदेश में उन सब इलाकों में जाना होगा, उन सब इलाकों में काम करना होगा। यहां की जिम्मेवारी आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र से लोकसभा के चुनाव में 37,000 की बढ़त नहीं दी थी, आप लोगों ने वो बहुत बढ़त दी। 37,000 की बढ़त पिछले 2019 के लोकसभा के चुनाव में इस विधानसभा क्षेत्र से। तमाम पिछले रिकॉर्ड टूट गए, लेकिन इसलिए मेरा आप सबसे इस बात के लिए भी निवेदन है कि आगे जब भी चुनाव होगा, सितंबर के महीने में संभावनाएं लग रही है, सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, कब जब भी होगा, आपके जिम्मे यह काम होगा कि पिछली बार जो सहयोग मिला उसमें कमी ना हो। आपके क्षेत्र में काम की बात होगी, विकास की अगर बात होगी, वो कहां जहां कमी होगी उसके लिए हम हैं, उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन यहां की कमी नहीं होनी चाहिए। यहां से कमी नहीं, सहयोग में कमी नहीं होनी चाहिए, यह मैं आपके बीच में कहना चाहूंगा। और बाकी आज सही मायने में भाषण देने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूं। और मिल करके सोच रहा था कि हमने बोला भी था कि भी तभी लोग बोल रहे थे कि माइक लगाना है, भाषण करना कि नहीं करना है, लेकिन मैंने कहा कि भी थोड़ी बात करनी होगी तो कर लेंगे, लेकिन सही मायने में हम ग्राम के अंदर के अपने साथियों के साथ, जो अपने मतदाता हैं, यहाँ के हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, जो अच्छे में, बुरे में, तंगी में, तकलीफ में, खुशी में, सब में जो है हमारे साथी बन करके चले, उनसे मिलने के लिए। तो लंबा अरसा हो गया था जब मिलना नहीं हो पाया, इसलिए मैं आपके सबके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित हूं। और इसलिए हमने ना कोई हमने उद्घाटन के लिए बहुत ज्यादा बोला, यहाँ रख दिया। उन्होंने कहा कि चलो जी, ये स्कीमें हमारी छोटी छोटी स्कीमें हमारी तैयार हैं लगभग 2 करोड़ की लागत से, तो उन स्कीमों को उन्होंने आज यहाँ पर पेयजल योजना की और इसकी
जो है उनका उद्घाटन किया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बाकी सारी चीजें मैं आपके बीच में। अब हमारे लिए मुश्किलें ये जो आती है, थोड़ी मैंने गुजर गुजर होने बोलते सुरोवा आ रहे हैं तो अब कुछ तो मांगना पड़ेगा, जरूरी है मांगना, चल नहीं सकता बिना मांगे हैं? चुप हो रहे हैं, क्यों बात करते हैं? फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों ने कुछ बातें कही, मैं उन सारी बातों का संज्ञान लेता हूं जो करने की चीजें होंगी, हम बिना पूछे भी करते हैं। कई जगह मैंने अपने क्षेत्र में जहां की मांगी, क्योंकि मांग तो उनके सामने करने की जरूरत रहती है, जिस आदमी को जो जानकारी ना हो कि कहां क्या चीज की जरूरत है। मैं तो घर घर से वाकिफ हूं, ऐसी एक नहीं सैकड़ों काम हमने ऐसे कर दिए इस विधानसभा में जहां मांगा नहीं लेकिन मुझे मालूम था कि इस गांव के लिए ये करना है, वो हमने करके दिया है। जहां एक बार हम लोकसभा के चुनाव में नड्डा जी का कार्यक्रम किया था, स्वास्थ्य मंत्री थे, वो केंद्र में मंत्री थे उस वक्त, उनका प्रवास था तो यहां कार्यक्रम यहीं इसी स्थान पर कार्यक्रम किया था, यहीं हम आपके बीच में आज फिर से आए हैं। अब तो आज नड्डा जी हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे लिए गर्व की बात है, जिनके साथ हमने बचपन से इकट्ठा काम किया है, संगठन में मिलकर के काम किया है और उनका सदैव हमको जो है आशीर्वाद प्राप्त होता है। और हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे देश भर में उन पार्टी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यहां बहुत सारी पंचायतों की ओर से कुछ सुझाव आए हैं, आग्रह आए हैं, चाहे वो कुकड़ा पंचायत है, ग्राम पंचायत कुकड़ा, ग्राम पंचायत कुकड़ा के साथ साथ में ग्राम पंचायत कांडी, ग्राम पंचायत कांडी के साथ ग्राम पंचायत सुरोवा, ये तो हुई। कागज मेरे पास इतने सारे दे रखे हैं, मैं कौन से कागज पकड़ूं, कौन से कागज छोड़ूं, पता बड़ा मुश्किल था। ये प्रधानों के लिए बड़े बड़े, ये प्रधान बहुत परेशान करते हैं, फटाफट मोहर लगा करके जेब से मोहर निकालते हैं और छाप देते हैं और हमारे सामने रख देते हैं। लेकिन चलो प्रधान भी सच्चे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि अच्छे प्रधान चुन करके आए यहां पर। सुरोवा पंचायत के प्रधान यहां है, प्रधान बहुत ज्यादा बन गए इस बार, पंचायतें कितनी बड़ी मारी, राज्य में कितनी पंचायतें बनी और थोड़ी हुई थे 20 पंचायतें राजधान 15 सालों से पंचायत एक नहीं बनी थी हिमाचल प्रदेश में, हमने बढ़ाई 412 20 पंचायतें दी राजधान सभा क्षेत्र के लिए और जिसमें आपकी भी बात होती, तुम्हारी सुरोवा पंचायत बहुत बड़ी बोलते उसको छोटी करो, मैं कल लोग बड़ी करने की बात बड़ी चीज सोचते हैं तो आप बोल रहे छोटी करने के लिए, कितनी पंचायतें हुई इसकी, 2 बाड़ा की हुई, 3 बाड़ा की, 3 हुई और सुरोवा की हुई, 2 सुरोवा एक रही और दूसरी हुई कांडी। हाँ कांडी पंचायत के प्रधान हुए नेत्र सिंह है, अच्छा अच्छा हाँ जी हाँ नेत्र सिंह जी, हर्ष धड़े भी भारी लिख इसलिए आपको देखना जरूरी है भाई, पहले तो मैं एक एक प्रधान को एक करता था ना, टाइम नहीं मिलता ज्यादा इसलिए। और इसके अलावा कुकड़ा पंचायत के प्रधान हमारे यहाँ पर आए हुए हैं, क्या नाम है, नकुराम, ठीक ठाक है, सब लोगों ने यहाँ पर दिए हैं अपने अपने प्रस्ताव दिए। मैं उन प्रस्तावों पर, क्योंकि प्रस्ताव पर एक स्कीम नहीं लिखी, 10-10 लिखी इकट्ठा है तो इसलिए 10 स्कीमों के बारे में बोलना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं यहां सुरोवा में आया और यहां 2-3 चीजों की मांग आई है, छोटी छोटी मांगी बातें हैं आपकी, वो करनी भी चाहिए मुझे लगता है। एक तो आप लोगों ने मांग की है यहां पर
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस की घोषणा गोविंद जी ने करी थी है? अच्छा, कहां करी थी, कहां बनाना था, जगह है? चलो इस घोषणा को मैं अपनी घोषणा में डालता हूं, इसको पूरा करेंगे, क्योंकि अगर उनके क्योंकि उनका महकमा चेंज हो गया, शायद इस कारण से इसका फॉलोअप नहीं हो पाया। पर मैं ये भी सोचता हूँ कि रेस्ट हाउस लोड़ी की जीत कि क्या करना रेस्ट हाउस में बैठने के लिए जरूरी है। ठीक है, चलो आज की इसमें छोटा सा इसको हम बोल सकते हैं जो इसको इंस्पेक्शन हट जैसे इसको बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे इसको, बना करके देंगे आपको, एक बात तो यही है। दूसरी बात, आप लोगों ने कहा कि यहां पर जेई सेक्शन की बात है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, और जेई सेक्शन के लिए शायद मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा कठिनाई यहां पर वैसे तो नहीं है जेई से बहुत ज्यादा, लेकिन फिर भी कहा गया कि एरिया बहुत ज्यादा है और एरिया ज्यादा होने की वजह से इसको करना चाहिए। तो ये जेई सेक्शन भी मैं आपको यहां पर स्वीकृत करता हूं, ये भी मैं आपके बीच में करता हूं। एक यहां पर कांडी पंचायत भवन में कहा कि एक लिंक रोड है वो खियोगी नाड़ा से छानी छानी चौड़ है ना, थोड़ा चौड़ा करना इसको, और उसके लिए मैं आपके बीच में यही कहता हूं कि थोड़ा फिलहाल इस बार भाई ढबे ढबे नस्ते बड़े, पैसे की कमी है बहुत ज्यादा, कोविड के कारण कोरोना के कारण बड़ा संकट आया होगा ना, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में फिलहाल मैं 5 लाख रुपए देने की यहाँ पर इस सड़क के लिए भी घोषणा करता हूँ, ताकि यहाँ पर इसका काम हो सके। और यहाँ 2-3 चीजों के लिए सुरवा पंचायत से कही गई, एक लिंक रोड पर बात कही है, लिंक रोड खेवगी से जुराडी है जुगराडी, इसके लिए कहा कि इसके थोड़े पैसे लगने में आया कोई जुगराडी, हाँ जी मान तो कोई ना है लोड़ी डबे कितने डबे, हाँ जी। और एक बताइए है सराय बोलते महाकाली मंदिर क्यों, और एक ये बात कही है, और उसके बाद दूसरा कौन सा कही अपने सुरोवा गुलाली रोड बाया बाया मठान, ये बड़ी सड़क है, कितने 3.5 टन बढ़ गई है सड़क, इसको पक्का करने का प्रस्ताव है इनका, तो इसको इस सड़क को पक्का किया जाए। और जो सड़कों का मैंने जिक्र किया यहाँ पर पर्टिकुलरली ये दो सड़कों का जिक्र यहाँ पर किया, लिंक रोड जो है वो खेवगी से जुगराड़ी, इसके लिए 2 लाख रुपए मांगे, 2 लाख रुपए दे देंगे भाई। एक सराय के लिए बोला आपने 2 लाख रुपए खेवगी वाली, तो उसके लिए भी 2 लाख रुपए दे देंगे। और इसके अलावा जो पंचायतें यहाँ पर हमारी दूसरी पंचायतें हैं उनके प्रस्ताव मेरे पास बहुत सारे आए हैं, खासतौर से हमारी किशिम निजार पंचायत है, चाहे उसके बाद हमारी दूसरी पंचायत जहाँ की कुकड़ा पंचायत है खनिजतांदी है, उनके प्रस्ताव आए हैं, उनके बाद उनको लक्ष्य मैं बात कर लूंगा एक एक प्रस्ताव को लेकर के क्या किया जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर यहाँ पर एक और बात आई है कि यहाँ पर बोला कि जब नड्डा जी आए थे तब भी हमने मांगा था, बोलते कहा कि पीएससी मांगी थी हमने। अब मैं इस बात को सोचता हूँ कि 2 मोड़ आगे तो पीएससी था बाड़े, और 2 मोड़ के बाद आपका मोड़ क्या नाम नीचे पंडो पंडो पीएससी है ना कितना किलोमीटर पंडो है ना, हाँ जी बारह कितना किलोमीटर है, जैसे मैं पहली बार आया हूँ यहाँ, मेरे को पता नहीं कि 12 कितना किलोमीटर से और 12 यहाँ सुरुआ से पंडो कितना किलोमीटर, सर यहाँ मेरे को ठगने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलो फिर भी आप लोगों ने जो बात कही है उस वक्त की मुझे मालूम है अच्छी तरह से आपकी भावना है, सुरुआ में हम आपको पीएससी की घोषणा करते हैं, पीएससी आपको देंगे और यहाँ पर स्वास्थ्य की सुविधा। बाकी सारी बातें मैं बहुत लंबी नहीं कहूंगा, मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि देखिए
इस घर की जिम्मेवारी आप सबकी है और इस घर पर सबकी नजर है। घर अच्छा होना चाहिए, अच्छा क्या मजबूत होना चाहिए, उस दृष्टि से बहुत जरूरी है। तांदी पंचायत की ओर से भी जो मांगे दी गई है, मैं मंच पर से घोषणा करने के बजाय उनको यही मैं कहूंगा कि वो मुझे एक दो प्रस्ताव दे दें, जो भी करने के होंगे उसमें वो भी करेंगे। और उसी तरह से कुकड़ा पंचायत को भी और सभी के साथ में यही कहूंगा कि पर ऐसे करें कि ऐसे पंचायत की ओर से 10-10 प्रस्ताव नहीं, 10-10 स्कीमें नहीं है, एक स्कीम दो स्कीमें दे दे लिख करके, जो बोलेंगे आप वो करेंगे, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य हुआ मिला और उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। और महिला मंडल कितने आए हैं बस? हाँ जी 16 नहीं है, 1, 2, 3, 4 मैं कपड़े से देख रहा हूं। हाँ जी क्या? अच्छा, ठीक है चलो आए हैं। कितने महिला मंडल आज हाजिर, कितने? तो महिला मंडल को कुछ पहले हमने दिया था, कुछ सहयोग दिया था, 20,000 पे मिला था आपको तो? हाँ जी नहीं मिल गया। फिर भी उसके बावजूद यहाँ जो महिला मंडल आए हैं तो उनके लिए मैं जितने मेरे को सूची बना करके देना और झूठ मत देना, जो हाजिर है उनको ही देंगे आज 11,000 रुपये मैं सभी महिला मंडलों को अपनी ओर से यहाँ पर जो है अपनी अच्छी निधि से देने की मैं घोषणा करता हूँ।